हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी करंट में हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 कंप्लीट कोर्स। अब तक हम वर्ड के रिगार्डिंग तकरीबन 8 पार्ट बना चुके हैं और ये ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम आपको मेलिंग टाइप के बारे में कम्प्लीट जानकारी देने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हो मेलिंग टाइप होता क्या है, यदि आप सीखना चाहते हो कि मेलिंग टाइप के ऑप्शन को आप किस किस प्रकार कहाँ कहाँ पर यूज़ करोगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखें। तो चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेलिंग टाइप, तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये है हमारी मेन्यू टैब और अब तक हम आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस टैब की कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। यदि आपने इन टैब में से किसी भी टैब से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके विजिट कर सकते हो। और इस वाली वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि मेलिंग टैब होता क्या है। यदि आप जानना चाहते हो कि मेलिंग टैब क्या होता है, मेलिंग टैब का यूज किस किस प्रकार कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखें। तो हम बात कर लेते हैं मेलिंग। जैसे सबसे पहले नाम से ही पता लग रहा है, मेल, मेल का मतलब होता है, मेल का मतलब, पहले इस बात को समझते हैं कि मेल का मतलब क्या होता है। अब मेल का मतलब एक संदेश होता है, डाक होता है, चिट्ठी होता है, लेटर होता है, इसको मेल बोलते हैं। और मेलिंग क्या होता है कि डाक मैसेज को करना, तरीके से करना, मेलिंग कहलाता है। तो मेल मर्ज समझने से पहले आपको मेलिंग या मेल का पता होना चाहिए। मेल का मतलब होता है एक संदेश, चिट्ठी, डाक, लेटर, मैसेज, इनको आप मेल बोलते हो। जैसे मुझे आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना है तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मैसेज कर रहा हूँ, तो वो भी एक मेल ही है। या आप ऑफिशियल में जब जाओगे तो आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना होगा, तो वो भी एक मेल है। या आप लेटर, डाक, चिट्ठी भेज रहे हो तो वो भी एक मेल है। तो ये तो बात होगी मेल की। अब मेल के अंदर, मेलिंग टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है क्रिएट। क्रिएट में दिया गया है फर्स्ट में एनवलप और लेबल। अभी देखो मैं आपको समझा दूँ, जो अभी हमारा ये फर्स्ट वाला टॉपिक है, ये क्रिएट, एनवलप या लेबल, या ज़्यादातर मेलिंग टैब का यूज जो होता है लेटर टाइप करने के लिए या एनवलप बनाने के लिए, इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। हालांकि मेल भी कर सकते हैं आप इसमें, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हार्ड कॉपी जब आपको निकालनी हो ना किसी लेटर की, किसी मैसेज की, तो तब इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। और यूज इसका तब किया जाता है जब आपको सेम लेटर कई सारे व्यक्तियों को भेजना हो, तो इसके लिए आप मेलिंग का यूज करोगे। तो धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है क्रिएट एनवलप। अब एनवलप क्या होता है? लिफाफा, जिसके अंदर आप डाक, चिट्ठी, लेटर कुछ भी आप डाल के भेजते हो, एनवलप को लिफाफा बोलते हैं। तो लिफाफे के ऊपर होता क्या है? लिफाफे के ऊपर मेनली एड्रेस होता है, भेजने वाले का और आपका एड्रेस होगा। जहाँ पर मान लो मैंने आपको लेटर भेजना है, मान लो आपका नाम रवि कुमार है, तो मेरा एड्रेस होगा और आपका एड्रेस होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें मेनली दो चीज़ें पर आपने ध्यान देना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पर रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी मतलब जहाँ पर हम लेटर भेजना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एनवलप में एक एनवलप क्रिएट कर सकते हो आप। अब एनवलप क्या, बने बनाए एनवलप क्या होता है, मार्केट से आते हैं ब्लैंक, जिनके ऊपर कोई नाम नहीं होता, वो एनवलप आप अपने प्रिंटर के अंदर लगाओगे और उसके थ्रू यहाँ पर आप अपना नेम प्रिंट कर सकते हो। अब उसके लिए पहले समझ लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो मेलिंग तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, या आपने पहले यूज कर रखा होगा मेलिंग तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे मुझे एक चिट्ठी भेजनी है जिसका मुझे एक एनवलप तैयार करना है, एनवलप बना बनाया आएगा, उसके ऊपर नेम प्रिंट करना है आपने प्रिंटर के द्वारा, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एनवलप ऑप्शन का। तो यहाँ पर जैसे मैंने लेटर भेजना है रवि कुमार को, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू रवि कुमार। रवि कुमार के बाद अगर आप उसको एड्रेस कंप्लीट दिखाना चाहते हो, हाउस नंबर, गली नंबर, वो आपकी इच्छा है, जो भी आपको दिखाना आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो मैंने लिखा टू रवि कुमार और यहाँ पर मैंने लिख दिया रामनगर, ठीक है, और यहाँ पर करनाल, या कोई एड्रेस जो आप देना चाहो, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न एड्रेस में वो आएगा जो आपकी कंपनी का नाम होगा, जो आप या जो आप भेज रहे हो वो आएगा। जैसे हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं,
तो हमने ये लिख दिया और यहाँ पर लिख देते हैं अपना एड्रेस। ओके, कोई पिन नंबर आप देना चाहो पिन नंबर दे सकते हो, फ़ोन नंबर आप देना चाहो वो दे सकते हो, जो आप देना चाहो अपनी इच्छा अनुसार वो आप दे सकते हो फिलहाल तो। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस लिखा और यहाँ पर हमारी कंपनी का एड्रेस आ गया। ठीक है, आप अपनी कंपनी का लिखेंगे, यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर ऐड टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखो ऐड टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो पूछेगा कि आ भाई आप जो ये ले आपने अभी जो डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस में दिया गया है उसको आप उस पर सेव करना चाहते हो एनवलप पे, तो आपने यस करना है। तो आपके सामने यहाँ पर एक एनवलप की शेप में एक पेज आ जाएगा। देखो ये जो अभी आपके सामने आया है, तो यहाँ पर आपका ये एनवलप आ गया। अब इसको आप कुछ कलर देना चाहते हो, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप कोई डिजाइन देना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लोगो लगा सकते हो अपनी कंपनी का, कोई और फोटो वगैरह वगैरह इंसर्ट करनी अपनी कंपनी से रिलेटेड वो चीज़ें कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। कस्टमर के एड्रेस में कोई चेंज करना वो चीज़ें भी कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपने प्रिंटर के अंदर एनवलप को लगाना है और यहाँ से प्रिंट कर देना है। तो उस एनवलप पे जो है ये आपका जो नाम है जो भी आपने दिया गया है यहाँ पर ये प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जब आप यहाँ पर, मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब आप एनवलप लेते हो ना, एनवलप लेते हो तो उसका आपको यहाँ पर ना साइज भी सेट करना होता है। तो आप ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर साइज दिया गया होगा। एनवलप के भी अलग अलग साइज होते हैं, जिस साइज का भी आपका एनवलप हो वो आप यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद ओके करेंगे, फिर यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस रिटर्न एड्रेस लिखेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, तो उसके बाद आपका यहाँ पर एक व्यू आएगा, प्रीव्यू आएगा एनवलप टाइप में, उसके बाद आप प्रिंट करोगे। तो ये तो एक व्यक्ति का बना दिया हमने भाई, एक व्यक्ति का ऐसे बनेगा। अगर दो व्यक्ति का बनाना होगा तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर चेंज कर देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम दूसरा एड्रेस लिख देंगे, हमारा एड्रेस तो सेम रहेगा। तीन व्यक्ति का बनाना होगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको बोल दिया जाए कि आपकी कंपनी में 50 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, 200 हैं, 300 हैं, उनका एनवलप या लेटर क्रिएट करके दो, तब आप यहाँ से एनवलप बनाओगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। एक एक व्यक्ति का नहीं बनाया जाता, एक एक व्यक्ति का आपको ढूंढना पड़ेगा एड्रेस, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कुछ गलती भी हो सकती है, टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर एक एक अगर व्यक्ति का आपको बनाना पड़ जाए, जब आपके ज़्यादा क्वांटिटी में एनुअल लेटर बनाने हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज नहीं करोगे। अगर सिर्फ ओनली एक या दो का बनाना है फिर हम यहाँ पर एनवलप का यूज कर सकते हैं। आगे है लेबल। लेबल क्या होता है, लेबल भी एक एनवलप का ही हिस्सा है। जब आप किसी को लेटर भेज रहे हो और आपके प्रिंटर जो है उसमें एनवलप लग नहीं सकता, या आप उसमें एक चिट बना के रखना चाहते हो, जिसके जब भी आपको रवि कुमार को लेटर भेजना हुआ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ना लेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो लेबल की रो कॉलम पूछेगा आपको, कितने रो कॉलम चाहिए। ठीक है, मेरे को दो चाहिए, तीन चाहिए, मैं यहाँ पर अलग अलग रो कॉलम में उसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक लेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी तो देखो सिंपल है, सिंगल हमने बनाया है, लेकिन जब आप कई सारे व्यक्ति का बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको आगे के ऑप्शन आने चाहिए, मेल मर्ज। अभी तो देखो रवि कुमार का एक लेबल बना है, यानी आप सिंपल A4 पेज पे निकाल के उसको काट के एनवलप के ऊपर चिपका के भेज सकते हो, यदि आप एनवलप नहीं बनाना चाहते, लेबल बनाना चाहते। लेकिन आजकल जो है एनवलप ही बनाया जाता है, लेबल बहुत कम बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज। अब स्टार्ट मेल मर्ज क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर लेटर बना सकते हो, यहाँ पर आप ईमेल के मैसेज टाइप कर सकते हो, एनवलप बना सकते हो जो मैंने अभी बताया, या लेबल बना सकते हो, डायरेक्टरी का बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लेटर और एनवलप ये दो चीज़ बना के दिखाऊंगा, जिससे आप समझ जाओगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। अभी मैंने एनवलप बनाया था लेकिन सिंगल व्यक्ति का बनाया था, लेकिन अब हम यहाँ से एनवलप बनाएंगे जिसके लिए आपको एक लिस्ट की जरूरत होगी। लिस्ट भी बताता हूँ कैसे, कौन सी लिस्ट होती है। पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गए, मेलिंग पे गए, मेलिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपने जाना स्टार्ट मेल मर्ज में और एनवलप पे क्लिक करना है। जैसे आप एनवलप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक साइज आएगा, आप ओके कर दोगे। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक जो है व्यू आ जाएगा एनवलप टाइप में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं अभी मेल मर्ज ऑप्शन आपको करा रहा हूँ,
ये ऑप्शन आपको तब समझ में आएगा जब यहाँ से लेकर और अब आखिरी तक जाओगे, तब आपको ये कंप्लीट समझ में आ पाएगा। देखो पेशेंस बनाए रखें, वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर हम क्लियर कराने वाले हैं। यहाँ पर देखो हमने एनवलप जैसे मैंने यहाँ पर लिया तो उसके बाद एक लुक आ गया एनवलप का। यहाँ पर ये वो एड्रेस है जो हमने रिटर्न एड्रेस में लिया था। अगर आप इसको चेंज करना चाहो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर अपने आप आएगा। अपने आप कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट। इसके अंदर दो ऑप्शन मेन होते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। यदि आपके पास पहले से ही बनी हुई लिस्ट है तो आप यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग में जाएंगे, कस्टमर की जिनको आप लेटर भेजना चाहते हो उनकी लिस्ट यदि बनी हुई है तो आप यहाँ जाएंगे, अगर नहीं बनी है तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे जाएंगे। तो दोनों को समझते हैं, पहले टाइप ए न्यू लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पर देखो इस प्रकार की एक विंडो खुलेगी आपके सामने। यहाँ पर टाइटल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम ऐसा कुछ दिया गया है। अब आपको टाइटल लेना नहीं है, आपको यहाँ पर एड्रेस 1, 2, सिटी, यहाँ पर देखोगे बहुत सारी चीज़ें, ये आपको नहीं लेनी है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंड फील्ड को मैनेज करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम पे जाना है। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करने के बाद देखो ये यहाँ पर आपके सामने वही फील्ड आ गई जो ऊपर वहाँ पर पीछे आपको दिखाई दे रही थी। अब इनमें से कौन सी चाहिए आपको, कौन सी नहीं चाहिए, उनको आप मैनेज कर सकते हो। जैसे टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। एड्रेस 2 नहीं चाहिए तो यहाँ पर डिलीट कर देंगे। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप डिलीट कर लेंगे। जो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। वर्क फोन नंबर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर ये डिलीट कर दोगे। कंट्री रिलीजन नहीं दिखाना है तो यहाँ पर ये डिलीट कर दोगे। तो ये डिलीट करने के बाद आपने देखा कि कुछ मेन फील्ड आपके पास बच गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई फील्ड इसके अंदर है नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। या आपको लगता है कि मुझे ना ये जिप कोड की जगह इसको रीनेम करना है तो आप जिप कोड की जगह यहाँ पर आप इसको पिन कोड भी कर सकते हो। यहाँ पर इसको हम पिन कोड कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे कोई फील्ड ऊपर नीचे करनी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डाउन कर दिया, यहाँ पर हम या अप कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप अपनी फील्ड को पहले मैनेज करोगे, मैनेज करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देखो ये वही फील्ड आ गई जो अभी आपने मैनेज की है। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर अपना डाटा डालना है। जैसे मैंने लिखा डाला डाटा रवि और यहाँ पर कुमार, यहाँ पर कंपनी नेम आप देना चाहो कोई दे सकते हो, ABC हमने दिया, और यहाँ पर राम नगर करनाल, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट हमने लिख दिया अपना, और पिन कोड आप जो कस्टमर का है वो डालेंगे, फ़ोन नंबर आप देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप टैब दबाएं, ये टैब दबाते रहना, अगली लिस्ट अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको कस्टमर का डाटा ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। देखो ये लिस्ट जो है सिर्फ आपको एक बार बनानी होगी, उसके बाद जब भी आपने इन व्यक्तियों को लेटर भेजना होगा तो आपको बस चूज करनी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई एंट्री गलत बन गया तो आप यहाँ पर उसको एडिट भी कर सकते हो, और एडिट में अभी करना बताऊंगा लेकिन यहाँ पर फिलहाल डिलीट कर सकते हैं। एडिट कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ आपको। एडिट करने के लिए बस आपने उस फील्ड पर डबल क्लिक करना और यहाँ पर आप उसको छेड़ सकते हो, ठीक है, वेरी सिंपल एडिट करना। लेकिन डिलीट करना है तो आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। फिलहाल ओके करेंगे, जितने भी आपके कस्टमर की लिस्ट है वो यहाँ पर आप बनाने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये पूछेगा कि आप इस लिस्ट को आप किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो किसी भी नाम से आप यहाँ पर सेव कर देना, ठीक। सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे ये आया हुआ ऐसे वो आ जाएगी। अब उसके बाद मान लो आपने ये सेव कर दी, सेव करने के बाद क्या होगा, हमने जानबूझ को सेव नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो यहाँ पर हम अब जाएंगे अगेन सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट में। वो पूछ रहा है कि आपके पास पहले से ही एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपकी बार टाइप नहीं करेंगे, आपकी बार यहाँ पर एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक डेमो के नाम से हमने बना रखी है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसको ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नाम आ जाएगा कस्टमर का, नहीं कस्टमर का नाम नहीं आएगा। तो अब क्या करना होगा हमें, अब यहाँ पर इन फील्ड का यूज करना होगा, राइट एंड मर्ज फील्ड का। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। इसका मतलब क्या है, आप ये चेक करना चाहते हो कि जो मैंने लिस्ट सेलेक्ट की है क्या वही सेलेक्ट हुई है या उसमें कोई चेंजिंग करने हैं आपने, तो आप यहाँ पर आएंगे एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे, तो आपके सामने ये वाली लिस्ट खुलेगी। ये वही है जो आपने अभी बनाई थी, बस मैंने कुछ पहले से बना रखे हैं, 2-4 हैं इसके अंदर, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये नेम दिखाई दे रहे हैं, रीना, अनीता, रवि, अजय, ठीक है, ये उनके लास्ट नेम है।
ये एड्रेस है, यहाँ पर सिटी स्टेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे अनीता का लेटर नहीं बनाना, तो उसके आगे से चेक मार्क हटा देंगे। जिसके आगे से आप चेक मार्क हटाओगे उसका एनवलप नहीं क्रिएट होगा, नहीं बनेगा। फिलहाल हमारे पास डाटा थोड़ा है, हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। और एडिट में बता रहा था, यदि आपको लगता है कि बाद में आपको पता लगा कि यहाँ पर इसका एड्रेस गलत हो गया, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उस लिस्ट का नाम आएगा। लिस्ट को सिलेक्ट करने के पहले यहाँ पर एडिट पर जाएंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पर आप अपनी लिस्ट को दोबारा से एडिट कर सकते हो। ओके, देखो एडिट रिसिपेंट का रिसिपेंट लिस्ट का मतलब है कि आप यहाँ पर दो रीज़न से आते हो। पहला रीज़न, आपने वही लिस्ट सेलेक्ट करी है कि नहीं, दूसरा आपसे गलत हो गई है, आप उसको एडिट कर सकते हो। और तीसरा ये भी हो सकता है, जिस जिसको आपने लेटर भेजना है उसके आगे आप चेक मार्क हटा सकते हो, लगा सकते हो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट तो है हमारे पास हाईलाइट मर्ज फील्ड, लेकिन इसको नहीं है देखेंगे अभी, एड्रेस ब्लॉक बाद में बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल जो है हमारे पास इंसर्ट मर्ज फील्ड। देखो मैं ये छोड़ नहीं रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा, बस आप पेशेंस बनाए रखें। ये भी क्लियर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो यहाँ पर जो जो फील्ड हमने ली थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आपने करना क्या, यहाँ पर क्लिक करना जाए आपको दिखाई दे रहा होगा कर्सर, एक एक फील्ड को आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस देंगे, ठीक है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, एंटर करेंगे। उसके बाद जो जो फील्ड आपने ले रखी थी, एड्रेस ले रखा हमने, फिर एंटर करेंगे यहाँ पर, और सिटी ले रखी हमने, एंटर करना है, कोमा लगाना है, जिस हिसाब से आपको अरेंज करना है आप यहाँ पर अपने एनवलप में या लेटर में इन चीज़ों को अरेंज कर लेंगे, ठीक। अरेंज करने के बाद आपने करना क्या, अब जब आपको लगा कि मैंने सब कुछ सही कर लिया, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे। कहाँ पर? प्रीव्यू रिजल्ट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डाटा जो है शो होने लग जाएगा उन कस्टमर का जो जिनके आपने लिस्ट सेलेक्ट कर रखी है। सभी का देखने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, आगे पीछे करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो जब आपको लगा कि भाई हाँ 7-8 थे मेरी फील्ड के अंदर और सभी लिस्ट के अंदर, तो सभी जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, जो आपने लिया था सब कुछ वही आया, तो यहाँ पर फिनिश पे जाएंगे, ठीक है। जैसे आप फिनिश पे जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट। एडिट इंडिविजुअल का मतलब है कि आप इसको कन्वर्ट करके सेव करके रखना चाहते हो, बाद में प्रिंट करोगे तो आप एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे। यदि आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। फिलहाल दोनों पे क्लिक करने पे एक ही ऑप्शन से होगा आपको कुछ ऐसा। अगर आपकी लिस्ट कुछ ज़्यादा लंबी है, ठीक है, जैसे 100 पेज की है, तो अभी आप 1 से लेकर 50 तक के प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर 1 और 50 आएगा, तो 1 से 50 के मर्ज होंगे या प्रिंट होंगे। या आप सभी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या करंट करना चाहते हो, कई बार क्या होता है एक ही बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम आल करते हैं और ओके करना है आपने। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर देखो एनवलप नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा आपके यहाँ पर फाइल में, और इसके नीचे वो एनवलप बन के आ जाएंगे जो आपने बनाए होंगे, वो भी अलग अलग नाम से, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस जो रिटर्न एड्रेस सेम रहेगा, बाकी डिलीवरी एड्रेस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सबका चेंज हो गया है। तो इस प्रकार आप अलग अलग एनवलप बना सकते हो अलग अलग कस्टमर का अलग अलग नेम से। अब आप ये कहोगे ये 7 क्यों बने हैं? आपकी लिस्ट के अंदर जितने कस्टमर का डाटा होगा उतने एनवलप या लेटर बनेंगे। 1 का है तो 1 का बनेगा, 20 का है तो 20 का बनेगा, 100 का है तो 100 का बनेगा, और वो भी अगर आपने सबको चेक मार्क लगा रखा है। अगर आपने 1-2 का बनाना है तो आप चेक मार्क वहाँ से हटा दोगे तो आपका उसी का बन के आएगा जिसका आप चाहते हो। ओके, अब एक बार इसको थोड़ा सा वापस फिर समझ लेते हैं ताकि मैं आपको ये वाले ऑप्शन भी क्लियर करा सकूँ, ये वाले ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नया पेज दोबारा से ले लेना है, और दोबारा से हम अब की बार क्या करेंगे, चलो मेल एनवलप पे ही समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओके करना है, ठीक है। रिटर्न एड्रेस आ गया आपका, यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस कैसे आएगा भाई? अब कस्टमर का एड्रेस यहाँ पर आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहले यहाँ पर एक लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पहले हमने डेमो के नाम से लिस्ट सेलेक्ट कर ली। अब कस्टमर का एड्रेस यहाँ से तो मैंने लेना बता दिया आपको, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर दोगे, जैसे मैंने ये एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर दिया, ओके, तो यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ देखो एड्रेस ब्लॉक आ गया, और यहाँ पर अगर मैं अब प्रीव्यू करूँगा तो अभी भी वही आ रहा है जो पहले आया हुआ था। आई थिंक पिन नहीं आया यहाँ पर, ओके। मैच फील्ड यहाँ पर हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। ये मैच फील्ड क्या होता है? ये यही होता है, यदि एड्रेस ब्लॉक से आपका कोई डाटा मैच नहीं हो रहा, आ नहीं रहा, तो यहाँ पर आप मैच फील्ड का यूज करोगे,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने जैसे ओके किया तो यहाँ पर क्या है कि पूजा शर्मा आ रहा है, लेकिन पिन हमने दिया था वो नहीं आ रहा है। तो मैच फील्ड पे जाएंगे, यहाँ पर मैच फील्ड पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पर पोस्टल कोड, देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैच नहीं हो रही, ठीक है। जैसे यूनिक कोई आईडी तो है नहीं हमारे पास, कोई कंट्री टाइटल भी नहीं है, फर्स्ट नेम से मैच हो रहा है, मिडिल नेम हमने नहीं दिया था, सब कुछ मैच हो रहा है, एड्रेस भी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो सिटी सिटी सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन पोस्टल पे नोट मैच है, ठीक है। तो यहाँ पर किस नाम से बना रखा हमने, पिन कोड से बना रखा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पिन पे जाएंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पिन कोड आ जाएगा। आई थिंक हमने दिया नहीं है क्या पिन कोड, एक बार मैं इसको ना डिलीट करके दोबारा चेक कर लेता हूँ। वैसे आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू चेक करेंगे और यहाँ पर देखो पिन भी आ गया हमारा, ठीक है। तो ये था आपका मैच, आप मैच कर सकते हो, साथ के साथ हमारा मैच भी हो गया। मैच तब यूज़ किया जाता है जब एड्रेस ब्लॉक से या किसी और पर्टिकुलर से आपका मैच नहीं हो रहा, तब आप इसका यूज़ करोगे। आगे आप ग्रीटिंग लाइन देख लेते हैं। ग्रीटिंग लाइन क्या है कि अगर आप नेम के आगे डियर मिस्टर टू चाहते हो, एड्रेस ब्लॉक को हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर आपने ग्रीटिंग लाइन पे जाना है, ग्रीटिंग लाइन पे जाएंगे, सॉरी मैं एड्रेस ब्लॉक में भी कुछ बताना भूल गया। यहाँ पर जब आप एड्रेस ब्लॉक पे जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, कुछ ऐसे दिखाना है। देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा तो चेंज नहीं होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का फ़र्क पड़ता है, ठीक। ऐसे कुछ यहाँ मिलेगा आपको जब आप यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर डियर चाहिए, नीचे देखो नीचे दिखाई दे रहा है डियर पूजा शर्मा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर टू लगाएंगे तो टू पूजा शर्मा। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ग्रीटिंग लाइन, और ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन लिखा जाएगा। जैसे आप प्रीव्यू चेक करोगे तो यहाँ पर डियर पूजा शर्मा के नाम से कुछ ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको फील्ड यहाँ से इंसर्ट करनी होगी, अगर आप यहाँ पर अगेन एड्रेस ब्लॉक ले लेंगे, जैसे आपने ग्रीटिंग लाइन भी ले ली और एड्रेस ब्लॉक भी ले लिया, ठीक है। तो इससे दिक्कत पता क्या होगी, जब आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर देखो पूजा डियर पूजा शर्मा और फिर अगेन पूजा शर्मा कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आप ग्रीटिंग लाइन ले रहे हो तो आपको एड्रेस ब्लॉक नहीं लेना है, फिर आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड का यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पर हाईलाइट मर्ज फील्ड, सिर्फ हाईलाइट करके दिखाता है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, और मेरे सामने कुछ ऐसा डाटा है और मुझे पता ही नहीं है कि ये फील्ड से लेके आए हम या ये फील्ड से लेके आए हैं। तो हम जैसे यहाँ पर हाईलाइट करूँगा तो वो बता देगा कि भी मर्ज फील्ड को हाईलाइट कर देगा कि ये वाला जो डाटा है ना पूजा शर्मा समथिंग, ये वाला डाटा जो है फील्ड से आया हुआ है और ये वाला डाटा जो हाथ से लिखा हुआ है। तो ये थे कुछ ऑप्शन हमारे मेलिंग के बारे में। अब मैं आपको ना लेटर लिख के दिखा देता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा ये फाइंड भी बता दूंगा और ये रूल भी बता दूंगा क्या होता है। और ये वाला जो है थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, जो टॉपिक अब समझाऊंगा उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लेटर किस हिसाब का होगा, कैसे होगा, और मतलब किस पर्पज़ से आप उस लेटर को तैयार कर रहे हो। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और जहां तक मेरा ख्याल है आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर करना क्या है, मेलिंग में जाना है। मेलिंग में जाने के बाद अब की बार क्या करना है, हमने लेटर लेना है, ठीक है। लेटर आपने यहां पर ले लिया और यहां पर लेटर को टाइप करना है। हमने एक लेटर पहले से बना रखा है, उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। हमारा एक लेटर है ये, और मैंने इसको कंट्रोल ए किया यहाँ पर और कॉपी कर दिया और अपने उसमें आ गई यहाँ पर, ठीक है, मेलिंग वाले ऑप्शन में आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये एक इंटरव्यू लेटर है, आपने इंटरव्यू लेटर प्रिपेयर करना है और वो भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को भेजना है। तो आपका लेटर जो है एक रहेगा, लेकिन बीच में कस्टमर के नेम जो है चेंज होते रहेंगे या एप्लीकेंट के नेम जो है वो चेंज होते रहेंगे। क्या क्या चेंज होंगे वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। यहाँ तो आप डेट आप कोई भी दे सकते हो, ये तो आप डेट जिस डेट को लेटर भेज रहे हो उस डेट की है, इंटरव्यू की डेट नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, जैसे हमने ये डेट लिख दी, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का या एप्लीकेंट का नाम आएगा, यहाँ पर एड्रेस आएगा, यहाँ पर अगेन नाम आएगा, यहाँ पर जहाँ पर मैंने लाइन ले रखी है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, पोस्ट आएगी कस्टमर की, आप किस पोस्ट के लिए उसको अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर जब वो इंटरव्यू देने जाएगा कस्टमर एप्लीकेंट, तो वो किस आदमी से कॉन्टैक्ट करेगा, कौन से दिन जाना है, कितने बजे जाना है, वो चीज़ें यहाँ पर आएगी, और किस ब्रांच में जाना है, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पर दिखानी होगी, या और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दिखाना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर पहले लेटर लिख के डिसाइड कर लेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पर सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट में आप जब जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड भी तैयार करनी होगी। फील्ड तैयार करने के बाद कस्टमर का डाटा टाइप करना होगा,
उसके बाद जब आपके पास कस्टमर का डाटा होगा तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली लेटर तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर फील्ड नहीं क्रिएट कर रखी है और आपके पास एक्सेल में डाटा है तो भी आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक्सेल में एक डाटा दिखाना चाहूँगा। ये हमने कुछ डाटा बना रखा है, यहाँ पर देखो एप्लीकेंट का नाम दे रखा है, ये एप्लीकेंट का एड्रेस है, ये किस जॉब के लिए इसको इंटरव्यू लेटर दिया गया है वो लिखी गई है, किस आदमी से उसको कॉन्टैक्ट करना है, किस डेट को जाना है, कितने बजे जाना है और किस ब्रांच में जाना है, वो चीज़ें यहाँ पर हमने बना ली हैं एक्सेल में पहले से ही। आप एक्सेल में बनाओ आप या रिसिपेंट लिस्ट में बनाओ, दोनों का मतलब एक ही है। चलो अब लेटर बना के देखते हैं। कहाँ थे हम, यहाँ थे क्या? हाँ यहीं थे, ठीक है। तो हमने करना क्या है, अब यहाँ पर सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट में जाना है, यूज एग्जिस्टिंग में, सॉरी यूज एग्जिस्टिंग में जाएंगे। यहाँ पर आपने, अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास वो तो है ही नहीं है तो उसको घबराना नहीं है। अब आपके पास जहाँ पर भी वो डाटा, मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर है और जॉब डाटा के नाम से मैंने उसको सेव कर रखा है, ये रहा जॉब डाटा के नाम से, ठीक है। और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, हालांकि ये एक्सेल की फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो वो कहेगा भाई सीट वन पे सीट वन का डाटा लेना है, सीट टू का लेना है, सीट थ्री का लेना है। फिलहाल इसमें एक ही सीट पर डाटा है तो एक ही आ रहा है, ओके कर देंगे आप। ओके करने के बाद यहाँ कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा यहाँ पर एडिट रिसिपेंट लिस्ट में होगा। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको उन कस्टमर की लिस्ट जो है सो होने लग जाएगी जो अभी मैंने आपको एक्सेल में दिखाए थे, ठीक है। अगर आप एक्सेल से डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको इंपोर्ट करना सिखाया। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट एड्रेस, जॉब ऑफर, रिपोर्ट पर्सन, ये सारी चीज़ें वो दिखाई देंगी जो आपको एक्सेल में दिखाई दे रही थी, ओके। अब इसमें भी वही रूल है कि किसको आपको लेटर भेजना है किसको नहीं, जिसको आपको लेटर भेजना है उसके आगे से, जिसको नहीं भेजना उसके आगे से चेक मार्क हटा देंगे तो उसका नहीं बनेगा, ठीक है। फिलहाल ओके रहने देते हैं सब कुछ। अब यहाँ पर हमें फील्ड इंसर्ट करनी है तो टू यहाँ पर दिया गया है तो टू के आगे आप फील्ड इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जाएंगे तो एप्लीकेंट नेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर एप्लीकेंट नेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हटा देते हैं हम रिसिपेंट्स, इसकी जरूरत नहीं। और एड्रेस में ओके, यहाँ पर है ना हमने वो लगा रखा है जस्टिफाई, इस वजह से दिक्कत हो रही है, ओके। यहाँ पर आपने इसको काटना है और यहाँ पर एड्रेस लगाना है, ठीक है। एड्रेस मेलिंग में जाएंगे, एडिट में यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड, और अब की बार एप्लीकेंट एड्रेस हमने ले लिया, ओके। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का अगेन नेम देना है, ठीक है, घबराए नहीं, ये जस्टिफाई हमने कर रखा है उस वजह से यहाँ पर शो हो रहा है। आपने होम में जाना, जस्टिफाई को यहाँ पर नॉर्मल कर देना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने पोजीशन दे रखा है भाई, किस पोजीशन पे, किस पोस्ट पे आपको नियुक्त किया गया है, तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने मेलिंग में जाना है, यहाँ पर जॉब ऑफर जिस नाम से हमने बनाया आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये पोजीशन यहाँ से काट देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद स्पेस थोड़ा मैनेज रखें, बोल्ड करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप बोल्ड भी कर सकते हो, मैं बोल्ड करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर किसको वो कॉन्टैक्ट करना है तो वो चीज़ें आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, यहाँ पर रिपोर्ट पर्सन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद डेट, किस डेट को जाना है वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप डेट पे क्लिक कर देंगे डेट, ठीक है। और यहाँ पर टाइम भी दिया गया है तो आप यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ब्रांच नेम, यानी यहाँ पर इसको ब्रांच नेम को सिलेक्ट करना है आपने, और यहाँ पर ब्रांच जो आपकी थी यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेनी, ठीक है, ओके। आगे बेस्ट वीसीज कोई देना चाहो, लंबी चौड़ी बात लिखना चाहो लिख सकते हो, रिगार्ड अपना नीचे आप एड्रेस लिख देंगे, कोई फ़ोन नंबर देना चाहो वो चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ फील्ड जो है इंसर्ट करी है, अगर आप देखना चाहते हो कहाँ कहाँ हमने फील्ड इंसर्ट करी है, हाईलाइट पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। अब इसके बाद जब आपको लगे कि मैंने सब कुछ सही कर दिया है तो आप यहाँ पर एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना, प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको वो चीज़ें सही ढंग से दिखाई देने लग जाएंगी कि हाँ भाई यहाँ पर लैब अटेंडेंट है या कुछ ऐसा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। मैं एक बार ये चाहूँगा कि आप उसको बोल्ड कर दो, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा,
सही से दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी फील्ड हमने यूज़ किए हैं उसको हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, उससे ना थोड़ा ठीक रहेगा। ये तो बोल्ड पहले से ही था आई थिंक, पता नहीं साइज बड़ा है इसका। ओके, यहाँ पर जॉब ऑफर हमारे पास नहीं, वी को तो नहीं करना था। ओके, देखो मैंने पहले ही कहा था इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें मेरे को सभी ऑप्शन आपको क्लियर कराने हैं। हाँ, इसमें एक ऑप्शन रह गया आपका स्टेप बाय स्टेप, मैंने बताना भूल गया, वो सेम प्रोसीजर है। अगर आप कहोगे कमेंट करना आप मुझे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जाएंगे ना, यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यहाँ पर लिया गया स्टेप बाय स्टेप मेलिंग मेल विजर्ड के ऊपर। अगर आप कहोगे मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके अंदर वही ऑप्शन है जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, उससे भी यही लेटर बनेगा, और जो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ अभी भी वही लेटर बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर जानबूझ के जो हमारी मेन मेल फील्ड थी वो बोल्ड कर दिए ताकि लेटर थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, अब उसके बाद जब आपको लगे कि सब कुछ सही हो चुका है, आप रिजल्ट एक बार चेक कर लेंगे। रिजल्ट आपने देखा कि हाँ भाई रिजल्ट तो सब कुछ सही आया हुआ है, कुछ मोटा पतला करना है, साइज़ देना है, कलर देना है, कोई कुछ और इम्पोर्टेंट बात लिखनी है, वो आप लिखने के बाद जब आपको लगे कि सब कुछ हो गया फिर आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर है ना, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसे फाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ सबका आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर एक नेहा दिखाई दे रही है आपको, नेहा, और अगर मान लो नेहा का नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फाइंड पे जाएंगे और यहाँ पर आपने नेहा लिख देना है, या उस कस्टमर का नाम जिसका आप ढूंढना चाहते हो वो फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेहा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे इम्प्लॉइज होते हैं जिनको लेटर या एनवेलप भेजना होता है, अगर आपको लगता है एक दो का शक है कि इसका नहीं बनाया, तो आप यहाँ पर फाइंड करके देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर 26 लेटर बनेंगे, 26 या 25 बनेंगे, क्योंकि जितने आपकी लिस्ट में होंगे उतने बनेंगे। तो सब कुछ हो चुका है, जब आपको फाइनल लगे तो यहाँ पर मेल मर्ज पे, फिनिश मर्ज पे आएंगे, तो यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल और प्रिंट डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो या बाद में सेव रखना चाहते हो, बाद में प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और जितने का भी करना है ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो अब लेटर आया, पहले क्या आया था यहाँ पर एनवेलप आया था, अब लेटर आया, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे आपका अलग अलग नेम से सभी जो है लेटर बन के आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से आया है। और यहाँ पर अब आपने जस्ट प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद एनवेलप के अंदर लग डालना है और उसके बाद कस्टमर को भेज देना। तो कस्टमर जो है देखो यहाँ पर हर एक का बताया गया है कि किससे कॉन्टैक्ट करना है, किस तारीख को, किस टाइमिंग पे उसको जाना है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली आई है। ओके, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि मेलिंग का क्या यूज़ है। मेलिंग का यूज़ होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप किसी कस्टमर को लेटर भेज रहे हो, एनवलप भेज रहे हो, वो भी बल्क क्वांटिटी में, जिसको आपको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेल मर्ज से बड़ी आसानी से आप मैनेज कर सकते हो, उनको भेज सकते हो, ठीक है। बस हाँ, दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर आपके पास कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो एक्सेल के अंदर हो या आपने रिसिपेंट लिस्ट में पहले से तैयार कर रखी हो, बाकी और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो हमने कोशिश करी है आज आपको मेलिंग के सारे ऑप्शन में क्लियर कराने की, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई ऑप्शन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो अगेन बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन रह गया हमारा रूल, अब यहाँ पर रूल क्या होता है, देखो रूल मान लो एक लेटर आपको बार बार भेजना पड़ रहा है, जैसे आपका ना कोई मीटिंग होती है, वीक में होती है या महीने में होती है, साल में होती है, और वो मीटिंग हर बार होती है, हर वीक होती है या हर मंथ होती है, लेकिन बस डेट एंड टाइम चेंज हो जाता है, और आपने हर एक एम्प्लॉयज़ को भेजनी है वो, तो यहाँ पर आप रूल सेट कर सकते हो, बस वहाँ पर डेट एंड टाइम नहीं डालेंगे, जब आप यहाँ पर रूल फिल का सेट करेंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई प्रिंट करने से पहले या एडिट इंडिविजुअल करने से पहले कि आपने डेट नहीं दी है या डेट चेंज नहीं करी है, तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो, ये रूल सेट होते हैं, ठीक है। मैच मैंने बताया कि मैच आप अपनी फील्ड से मैच कर सकते हो, जब एड्रेस ब्लॉक से कोई चीज़ ऑटोमेटिक इंसर्ट करते हो।
अपडेट लेबल, अगर आप यहाँ पर लेबल में कोई चेंज करते हो तो वो चीज़ यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये एरर कोई इतना खास होता नहीं है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फिर भी सारे ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करा दिए, बस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन नहीं क्लियर कराया। फिर भी आपको लगता है कि मुझे आप इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया या मेलिंग में स्टेप बाय स्टेप में जब बताऊंगा कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी रिगार्डिंग टू मेल मर्ज, जिसमें हमने आपको सभी ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कराया। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और कुछ नया सीखा होगा। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।